फिनिश करने के लिए द फिनिशर जीत गई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो भैया अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 बजने वाले हैं और भैया सारा काम अपना हो चुका है घर का। एक्चुअली मॉर्निंग में हम लोग जल्दी उठे हुए थे तो सारा काम निपटा दिया है घर का, सभी लोग लगे हुए थे घर के। और बाकी अभी क्या है, दिवाली वाली का अपना शुरू हो चुका है त्यौहार। तो भैया कल था धनतेरस और आज है अपना, आज तो खैर कुछ भी नहीं है, लोग कुछ कल धनतेरस मना रहे थे और कुछ लोग आज भी मना रहे हैं। और बाकी कल है भैया महालक्ष्मी पूजन, तो इस बार तो यार अपनी दिवाली नहीं होगी क्योंकि मेरे पुराने व्यूअर्स को मालूम होगा मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से क्या होता है ना अपने या हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि एक साल तक कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। तो भैया मज़ा नहीं आ रहा है ये भाई, स्कूटी में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाइक में लगाना था। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उल्टा लगा रहे हो, फिर कह रहे हो वाह मस्त। और ये श्री यहाँ से शुरू होगा, तो भैया स्कूटी का आप कैंसिल कर देते हैं, इसको लगा देते हैं बाइक में, स्कूटी में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। उसको छोटा बना, जगह नहीं है भाई आपके, लगा दिया, शौक पूरा हो गया। आप तो लीजिए ना, अब नहीं लगाना है ना दूसरा। ये देखो भैया अपनी एवेंजर में लग रहा है तोरण, क्या बाइकर मुसाफिर पहाड़ी बाइकर। हाँ तुमने इधर साइड लगा, इधर साइड नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट दिखाया कहाँ, टूट जाएगा, कहाँ लेके गए, कहीं भी जाने के लिए चाहते हम, इनको लगाना ही नहीं आ रहा है, फर्जी आदमी। पकड़ के मैं लगाता हूं, रहने दे। फिर क्या बोलते हैं, पहले उल्टा लगा दिया, रूपा बनियान का ऐड दिखा दूंगा मैं। तो भैया तोरण बन के हो गया है तैयार और लग भी गया अपनी बाइक में। कैसी चल रही फिर दिवाली वाली की तैयारी? बहुत ही अच्छी चल रही। क्या क्या किया फिर आज सुबह से? ये देखो इसको भी हमने नहला दिया, ये देखो ये हमने तो बनाया, ये देखो कितना पानी निकल रहा है इससे, ये देखो हमने इसको आज नहला दिया है बढ़िया तरीके से। कई सालों से नहीं नहाया था, कई सौ सालों से नहीं नहाया था, कई सौ साल पहले नहाया था, 200 साल बाद नहा रहा है आज। कब आया ये हमारे घर में? कब लाई तुम इसे घर में अपने? चाची नमस्कार, लो भैया छू कर जीतते रहे। क्या कह रही हो बताओ, हाँ क्या करने जाऊँगा? तुम्हारे साथ जाऊँगा ना, अकेले सोने जाऊँगा। तो तुम्हारा क्या फ़ायदा जाने का? तो फिर ऐसा फ़ायदा मैं नहीं देता, फिर अकेले नहीं जाऊँगा मैं। तुम्हें बहस करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्या? जब तुमने बोला मैंने रुक जाओ करके, बात कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं कर सकता, मुझे कोई चिड़ नहीं मच रही है, ऐसी तुम करते हो मेरे साथ। वाह 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 भैया, देख लो भैया देख लो, ऐसे हैं भैया कुछ लोग, ये साथ में चलने में इनको दिक्कत हो जाती है मेरे साथ, तुम खुद अकेले शर्म आती है क्या? हाँ। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे अपनी दुकान में और यहाँ पे ना सफाई वफाई देखो पूरी बढ़िया तरीके से करते हैं यहाँ पे, और दुकान में तो खैर कर दी सफाई, बाकी यहाँ रूम है और रूम की सफाई कर लेते हैं। तो वो झाड़ू वाड़ू लगा कर भैया सफाई वफाई में लगा दिया है इनने, ये देखो। अरे जल्दी करो यार, ये देखो हमें, मेरे को यहाँ इसलिए बुलाया गया कि सफाई करूँगा करके, मेरे को सफाई तो यहाँ भी सफाई यहाँ कर दिया क्या तुमने? यहाँ क्या हो यार, क्यों गए यहाँ? अरे यार मैं पोछा मारा मैंने अभी, मैं ऊपर जा रहा था देखने के लिए। नहीं अभी क्या हुआ, ये आधा झाड़ू मार के यहाँ मारा आपने, गाइस देख लो जिसने भी अगर अभी शादी नहीं करी है ना तो शादी से भैया बच के रहना, दूर रहना, ऐसे काम करवा, ऐसे काम करवाया जाता है, देखो डरा डरा के काम करा रही है, देखो दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। मैं जा रहा हूँ पेंट लेने, जाइए प्लीज।
जाओ तुम ले आओ बैठ के, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो यहाँ। क्या करना है मैंने यहाँ पे, कुछ करना है क्या मैंने? अब क्यों बैठ गए, फालतू टाइम नहीं हो रहा है आपका? फालतू टाइम है मेरे पास। जाओ। भाई बाहर तगड़ी वाली धूप आ गई, बहुत ज्यादा खतरनाक आज आई है ना, बहुत खतरनाक हो रही है और लोग हंसेंगे तो नहीं भाई, मैंने तो यार ये पहन रखा है यार, क्या नहीं है क्या? तो भैया देखो जाड़े वाड़े आ गए हैं और देखो ट्रैक सूट पहन रखा है और बाहर आ रही तगड़ी धूप और बज रहे हैं अभी कितने, 12 बजने वाले हैं भाई, 12 बजने वाले हैं। तो यार कोई हंसेगा तो नहीं ना यार मेरे को? हंसो। वाह 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 वाह, गजब गजब, क्या हंसी थी, क्या हंसी थी, मजा आ गया गाइस। तो हम लोग ना एक्चुअली हम लोग अभी अंदर बैठे हुए थे तो चाची जी लोग बाहर को गए तो उन्हीं के साथ बाहर को चला गया। तो अभी देखो इसके हाथ में मोबाइल है और वो देखो वो सामने देखो ये है इस बंदे की हालत। लड़के ये क्या है, ऐसे कौन लेटता है यहाँ, बिस्तर है? चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अंदर चलो जल्दी फटाफट चलो। गोदी आप तो आ ही नहीं पा रहे होगे ना, ना पैदल पैदल चल ही नहीं पा रहे होगे ना बेबी, पैदल पैदल तो आप चल ही नहीं पा रहे होगे। तो गाइज 1:30 बज चुका है और अब स्टार्ट होने वाला है मैच। तो भैया आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज भाई मज़ा आने वाला है मैच में, तो देखते हैं मैच की अपडेट। भैया हमने तो डिश वगैरह लगाई नहीं है घर पे, तो अभी देखते हैं मोबाइल में अपने हॉट स्टार में देखेंगे। तो आज हॉट स्टार लाइव कर लेते हैं। देखो यहाँ यार देखो आज चल रहा है मैच और भाई यहाँ पे ना इंडिया ने टॉस जीत लिया है और भैया नहीं 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 ओए लग गई लग गई लग गई और करो लग गई मम्मा के लग गई। तो भाई जबरदस्त चल रहा है भाई मैच, जीता था ये मुकाबला इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप, इंडिया आर द चैंपियंस 2009 में पाकिस्तान ने। बैट लगा नहीं है, बैट लगा नहीं है। तो भैया मैच की ना जबरदस्त अपडेट चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी इस टाइम पे 7 रन हो रहे हैं और 7 रन पे एक विकेट हो चुका है, बहुत बढ़िया। इस बार तो इंडिया जीतने वाली है। ये देखो गाइस आज हमने धोए हैं गेहूँ, मम्मी उठा रही है गेहूँ हमारी, बहुएं आए आपकी, सब काम आप ही कर रहे हो, बहुओं को ज़्यादा आराम मत दो। रोनी नहीं आ रहा ऊपर, छोड़ ही नहीं रहा ममता को, नीचे रखने थे रखने थे, ठीक है अभी रखते हैं इसको। बताओ क्या क्या करना है, बताओ क्या करूं, क्या करूं? बोले लाओ खोल देता हूँ, थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, बिल्कुल नहीं दोगे नहीं बिल्कुल भी, क्यों एक ले लूँ? वाह बेटा मैंने खोला और आप मेरे को नहीं दोगे, एक तो दे दो यार, मेरे से मत बोलना आप, मैं नहीं बोलूँगा आपसे। गाइस यहाँ पे चल रहा है मैच और चाहिए 2 बॉल पे 2 रन, विराट कोहली बैटिंग का लेकिन
अतिरिक्त रन, दो गेंदे दो रन, क्या बात है। और फिनिश करने के लिए द फिनिशर रवि के लिए ही तो दिनेश कार्तिक का चयन हुआ है। दिनेश कार्तिक क्या करेंगे, फील्ड ऑब्वियसली अंदर लेके आएंगे, एक्स्ट्रा फील्डर होगा, विकेट कीपर भी आगे आ चुका है। भारत को चाहिए दो रन दो गेंदों में। दो गेंदों पे दो रन, एक रन मिलेगा तो आपको फिर फाइनल तक पहुंची थी दोनों टीम्स। एक गेंद एक रन, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद नवाज ऑन द स्टंप्स। जीत गई फाइनली गाइस हम लोग मैच जीत गए हैं, इंडिया मैच जीत चुकी है। और भाई जो मैच देखने में मज़ा आया ना वो नेक्स्ट लेवल का था। और इस टाइप के जो मैच होते हैं ना, जो दो बॉल पे दो रन एक बॉल पे एक रन, इस टाइप के मैचों का ना एक अलग ही लेवल होता है। बाकी जो एक तरफा मैच होता है ना, तो यार उसका तो क्या ही कहना, मतलब वो तो यार पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ये टीम मैच जीतने वाली है। अगर इंडिया ने अगर एक तरफ़ा जीतना है तो इंडिया एक तरफ़ा मैच जीतने वाली है, इस टाइप का हो जाता है। लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वो ज़्यादातर इसी टाइप का होता है कि यार मतलब लास्ट टाइम में जो हार्ट बीट एकदम से बढ़ा देता है ना, तो उस मैच का तो भाई क्या ही कहना है। तो भाई कसम से मज़ा ही आ गया आज के मैच में। तो फाइनली भाई अपनी इंडिया जीत चुकी है। और अब ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बाकी ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।